हेलो अंकल, कैसे हैं आप जी? बस आपकी याद आ रही थी, सोचा आपको मिला हूँ। घर आया तो ख्याल आया आप तो रात को लेट ही आते होंगे। जी, आंटी से हुई है मुलाकात? लगता है उन्हें मेरा घर आना कुछ अच्छा नहीं लगा, बल्कि आशी और आंटी ने तो काफी माइंड किया। उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि मुझे अम्मी के बगैर नहीं आना चाहिए था। गलती भी मेरी है, आपके घर को अपना घर समझ बैठा। नहीं, अंकल कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं क्यों माइंड करूं? बस आपको हेलो हाय करने के लिए कॉल कर दिया था। ओके, ख्याल रखिएगा। ओके अंकल, बाय। ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। क्या हो गया आशा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं कोई गैर हूं। चला गया वो। और कितने धक्के खा के जाता। मैं तो मुंतजर थी कि कहीं आप हुक्म ही ना सुना दें कि जाओ बेटा, फखर आया है तुम्हें लेने। मत लगाया करो ये लफ्जों के घाव मुझे। उसकी हरकतों पर तुमसे ज्यादा मेरा दिल छलनी होता है। काश आप इतनी हिम्मत कर लेते, जब उसे मेरा हाथ पकड़ा था खींच के थप्पड़ सीध करते। कसम से सारी जिंदगी याद रखती कि मेरी माँ ने भी मेरे लिए कुछ किया, लेकिन आप में इतनी हिम्मत कहाँ? अगर आप में इतनी हिम्मत होती तो फखर मुझे मम्मी की अंगूठी ही क्यों पहनाता? माएं तो औलाद को दुनिया में आने से पहले ही कुर्बानियां देना शुरू करती थी, और यकीनन आपने भी दी होगी। लेकिन जब आपकी बेटी को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, आपने उसको सूली पे चढ़ा दी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बाबा के साथ अपना रिश्ता बचाना चाहते। नहीं, नहीं।